नमस्कार, मैं आदित्य आदर्श और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर टुडे। अभी मैं मौजूद हूँ राजधानी पटना के रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल के सेमिनार हॉल में, जहाँ पर रेडियंट रेडियो का आज पहला उद्घाटन समारोह था और हमारे साथ मौजूद है जानो जंक्शन के को फाउंडर। तो पहले ये बताइए कि आप जो यहाँ रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल में रेडियंट रेडियो का जो स्थापना हुआ है उसमें आपका क्या सहयोग रहा है? मैं स्कूल का एलुमनाई भी हूँ, तो मैंने 12th यहाँ से किया है और आपने भी 12th यहीं से किया है। तो एक्चुअली एलुमनाई का एक वो होता है कि आपने जितने एक्सपीरियंसेस लिए हैं दुनिया में जाके, उसको आप अपने स्कूल में जाएं और अपने जगह पे जाके लोगों से शेयर करें, जहाँ आपको मौका ना मिला उस मौके को दे। बिल्कुल। तो इस सिलसिले में अक्टूबर में पिछले साल मेरी बात हो रही थी यहाँ की प्रिंसिपल, जो कि वाइस प्रिंसिपल थी, मनीषा मैम से, कि मैम कुछ करना चाहता हूँ बच्चों के लिए, क्या कर सकते हैं हम लोग। तो मैम ने बोला कि अब तो हम 20 साल सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो इस पूरे साल हम लोग 20 साल, देखिए इसमें लिखा भी हुआ 20 ईयर्स टू लर्न टू सर्व टू एक्सेल, जो हमारा मोटो है, ये हम लोग सेलिब्रेट करें। इसी सिलसिला में हमने पहला इवेंट जो रखा है वो है रेडियंट रेडियो। बच्चों को ना, अब पेरेंट्स हों चाहे टीचर्स हों, एक जनरेशन गैप है हमारे यहाँ कि बच्चों को लोग समझ नहीं पाते हैं। बिल्कुल, ये फील होता है कि मतलब पेरेंट्स अपने हिसाब से सोचते हैं, उनके ज़माने में कंपटीशन नहीं था, आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, लेकिन पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं और इसके कारण उन्हें प्लेटफॉर्म्स की कमी है। तो आज हम 700 बच्चों के साथ, जो कि इस आज से शुरू हो गया है और जनवरी तक चलेगा, 700 बच्चे स्कूल के अलग अलग दिन अपना अलग शो बनाएंगे, खुद ही राइट लिखेंगे, खुद ही प्रोड्यूस करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे और उसको लंच पीरियड में, जो कि 20 मिनट का होता है, पूरा कैंपस 4000 लोग सुनेंगे। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि लोगों को एक आइडिया मिलेगा कम्युनिकेशन की, ट्रेनिंग, स्टोरी टेलिंग, लोग अभी अपने ही एज में, बच्चे ही के एज में सीख जाएंगे, जिसमें क्लास 7 से 12वीं तक के बच्चे हैं, 7 to 12th के बच्चे हैं। हमारे साथ एक वो भी बात है कि पटना के लोग बाहर जाते हैं, बिहार के लोग, तो हमेशा कहा जाता है कि यार बिहारी है ना, और फिर वो कहते हैं कि यार इतने हार्ड वर्किंग होते हैं बिहारी, लेकिन बोलने में जब दिक्कत खा जाते हैं, तो ऐसा जगह नहीं है ना, ऐसी जगह नहीं है जहाँ बात कर सकते हैं। तो हमने इसीलिए, देखिए स्कूल में क्या कहते हैं, टीचर्स आएंगे बोलेंगे डोंट टॉक, तो हमने मोटो रखा है लेट्स टॉक, डोंट को काट दिया। अच्छा। कि ये जगह है जहाँ बात करो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तुमको लगता है लेबलिंग प्रॉब्लम है, तुमको लगता है कि टीचर्स तुम्हें समझ नहीं रहे, बच्चे पेरेंट्स तुम्हें नहीं समझ रहे, ये जो 20 मिनट है ना तुम्हारे पास। अच्छा, ये जो आपसे एक सवाल है, क्योंकि जिस समय मैं रेडियंट में था तो उस समय क्लास में बोला जाता था इंग्लिश में बात करो, लेकिन हमें सिखाया नहीं जाता था, क्योंकि लोग तो बोल देते थे, टीचर्स बोल देते थे कि इंग्लिश में बात करो, लेकिन हमें उस चीज़ का प्रोवाइड नहीं कराया जाता था, एक एक बच्चों को इंग्लिश सिखाया नहीं जाता था, ऐसे तो हम बोल नहीं पाए, आज तक हम सही से सीख नहीं पाए। तो क्या ये जो रेडियंट रेडियो है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा या कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज है? फिलहाल क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है हमारा, तो हम इसको इंग्लिश में कर रहे हैं, लेकिन सेगमेंट्स हैं, पूरा बाय लैंग्वेज है, क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि हम एकदम फॉर्मल चलेंगे, हम ना 21st सेंचुरी स्किल्स सिखाना चाहते हैं बच्चों को। अब आप जो बात कह रहे हैं ना, वो बात मुझे भी याद है, मुझे लगता है ये अब से वही 7-8 साल पुरानी बात है, 7 साल पहले भी। बिल्कुल, स्कूल ने काफ़ी काम किया है इस पर। अब इसी में जैसे बच्चे जब इंग्लिश में बोलते हैं तो उनका एक्सप्रेशन कैसा होगा, आज मैंने देखा है, मतलब जो भी बच्चे थे ना आज इंग्लिश में बोल रहे थे, उस टाइम सभी बच्चे नहीं बोलते थे, क्लास में भी हो बाहर में भी लोग हेजिटेशन फील होता था, पीछे भागते थे। आज आप, हम लोगों ने एक एक स्कूल में, एक एक क्लास में मेहनत की है बच्चों पे, एक बच्चा जो रेडियंट का आपको दिखेगा, मैं ये नहीं कह रहा बहुत सारे स्कूल हैं पटना में और सारे स्कूल अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कह रहा है, लेकिन एक बच्चा जो आपको रेडियंट का दिखेगा और एक बच्चा जो किसी और स्कूल का दिखेगा, आपको अंतर साफ पता चल जाएगा वे ऑफ थिंकिंग में। हमने जो होलिस्टिक डेवलपमेंट करा रहे हैं हम स्कूल में बच्चों का, वो अलग है। आप चाहे वो उनका इंक्लूसिविटी आपको समझ में आ जाएगी, उनके बात करने में एक वजन दिखेगा और वो अपने आप को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये क्या एक्सपेरिमेंट है, कितना स्कूल पटना का ऐसा एक्टिविटी के लिए रेडी होगा, मुझे नहीं पता है, होना होता तो हो जाता, लेकिन ये पहली बार बिहार में, ऐसा नहीं है कि और स्कूलों में नहीं होता है, मैं जानता हूँ भुवनेश्वर में एक स्कूल जहाँ ये है, मैं जानता हूँ दिल्ली में एक स्कूल जहाँ ये, और विदेश में तो स्कूल रेडियो एक कॉन्सेप्ट ही है, पर हमारे यहाँ नहीं है, जिसमें ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत पैसा लग जाता है एक इंटरनल रेडियो खोलने के लिए, मिनिमल कॉस्ट है, मतलब जितने में ये न्यूज़ प्रोड्यूस हो रहा है समझिए उतना ही कॉस्ट में ये रेडियो बन जा रहा है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म तो देना होगा ना हमें बच्चों को। तो इसी मोटो के साथ कि हमारे बच्चों का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, हमने रेडियो
जैसे मैंने अभी थोड़ा देर पहले प्रिंसिपल मैम से पूछा है कि मैम ये बस कैंपस में ही सिमट के रह जाएगा या बाहर भी जाएगा, तो मैम ने बोला है कि अभी कैंपस में रहेगा, बाहर का सोच रही है। आपका क्या प्लान है, बाहर में भी जाएगा ये? अभी हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे लीडर्स बने, हम लोग रेडियंट में इन जनरल चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो भी फील्ड चुने उसके वो लीडर्स बन के निकले। तो जनवरी तक हमारा प्लान ये है कि स्कूल कैंपस में इसको करना। इस बीच में मेरी बात हो रही है काफ़ी रेडियो स्टेशन से, जहाँ पर जाके हम लोग अपने बच्चों को ट्रेनिंग्स देंगे। इंडस्ट्रियल विजिट हमारा एक NEP में भी है, और इसका एक कल्चर है रेडियंट का कि हम हमेशा अपने बच्चों को इंडस्ट्रियल विजिट पे भेजते हैं। तो अब हमने उसमें रेडियो मिर्ची, रेडियो सिटी, रेड FM, इन सारे लोगों से हमारे बात चल रही है कि एक एक लॉट को भेजो, 10-10, 20-20 बच्चों को, वो सीख के जो आए। यहाँ पीयर लर्निंग हमारे यहाँ स्कूल में होता है कि आप जहाँ पर भी जाके सीख के आ रहे हैं, अब आप लोगों को सिखाएंगे। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट से हम और इसको प्रोपोगेट करेंगे। और एट द एंड ऑफ द ईयर हम दिल्ली में हमारे ब्रांच में एक रेडियो स्टेशन है, रेडियो कॉलेज है हमारा, उसमें एक रेडियो सेटअप है, उसे रिकॉर्ड करके हम और रेडियो स्टेशंस को पिच कर रहे हैं। अभी मेरी जो हमारे गेस्ट आए हैं उनसे ये भी बात हो रही है कि कैसे हम अपने बच्चों को आपके रेडियो पर भी प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि पहले हम ग्रूम कर दें और फिर वो हमारे बच्चे लीड करें चीज़ों को। तो ये एक आइडिया है। तो मतलब ये मतलब आगे फ्यूचर प्लानिंग भी इसका हो चुका है। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ जानो जंक्शन के को फाउंडर मौजूद थे, और रेडियंट रेडियो के स्थापना में इनका काफ़ी सहयोग रहा है, इन्हीं के की प्लानिंग से ये हो पाया है। तो और भी खबर देंगे, और भी जगह जाएंगे और बताएंगे कि क्या कुछ बिहार में हो रहा है। अभी चलते हैं, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल न्यूज़ फॉर टुडे के साथ। धन्यवाद।